हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे तुर्किश लीग के मैच के बारे में, जो गाइज खेले जाएगी यहाँ से गलातासराय और इस्तांबुल के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो गाइज इस वीडियो में इन दोनों टीमों को रीसेंट फॉर्म और इन दोनों टीमों को प्लेयर्स के बारे में जानेंगे, कौन से प्लेयर ने कितने गोल किए हैं और कितने असिस्ट किए हैं। और गाइज बात करेंगे जब ये दोनों टीम आपस में खेलती हैं तो क्या रहता है इन दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड, और गाइज वो कौन से प्लेयर जो कंसिस्टेंट गोल करते हैं इन दोनों टीमों की तरफ से, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जिनका ड्रीम इलेवन सिलेक्शन परसेंटेज काफ़ी कम है और उन्हें आप अपनी समोली टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो प्लेयर का रिकॉर्ड देखने के बाद। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं जो तुर्किश लीग के जो पॉइंट्स टेबल है, उस पॉइंट्स टेबल पर इन दोनों टीमों के क्या रहते हैं पॉइंट्स सेटेंडिंग। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ से पॉइंट्स टेबल को। तो गाइज जब हम फिलहाल आ चुके हैं यहाँ तुर्किश लीग के जो पॉइंट्स वहाँ पर, तो सबसे पहले बात करते हैं जो गलातासराय यहाँ से थर्ड पोजीशन पर है, वहीं पर बात करते हैं जो इस्तांबुल है यहाँ से 15 पोजीशन पर है। तो गलातासराय ने 21 मैच खेले हैं जिसमें 13 मैच विन किए हैं, 3 मैच इसने ड्रॉ खेले और 5 मैच लॉस किए हैं, 43 गोल स्कोर किए हैं और 21 गोल कंसीड भी कर चुके हैं। तो गाइज 21 मैच में 43 गोल स्कोर करना आप मान सकते हो, जो इसका अटैक है प्रत्येक मैच में 2 गोल स्कोर जरूर करता है। वहीं पर बात करते हैं इसने 21 मैच में 18 गोल कंसीड किए हैं, तो इसका जो डिफेंस है प्रत्येक मैच में आप मान सकते हो 0.8 गोल पर मैच स्कोर कंसीड करने का एवरेज रखता है। अटैकिंग वाइज और डिफेंसिव वाइज काफ़ी बेहतरीन है एज कम्पेयर टू इस्तांबुल। तो गाइज अब बात करते हैं जो इस्तांबुल है, इसने भी 21 मैच खेले हैं जिसमें से 6 मैच विन, 6 मैच ड्रॉ और 9 मैच इसने लॉस किए हैं, 27 गोल करे हैं और 37 गोल कंसीड कर चुके हैं। तो गाइज इसने 21 मैच में 27 गोल स्कोर करना आप मान सकते हो, जो इसका अटैक है ना प्रत्येक मैच में 1.2 गोल पर मैच स्कोर करने का एवरेज रखता है, लेकिन इसने 21 मैच में 37 गोल कंसीड भी किए हैं, तो इसका जो डिफेंस है प्रत्येक मैच में 1.7 गोल पर मैच स्कोर कंसीड करने का एवरेज रखता है। अटैकिंग वाइज और डिफेंसिव वाइज यहाँ से ये टीम एवरेज परफॉर्मेंस करती है। तो गाइज अब बात कर लेते हैं यहाँ से इस मैच में कौन सी टीम फेवरेट होने वाली, तो ऑब्वियसली गाइज यहाँ से गलातासराय जो कि ये इस मैच में फेवरेट होने वाले, क्योंकि इसका ही ये होम ग्राउंड में मैच होने वाला है और यहाँ से इस्तांबुल अवे टीम होने वाली है। तो गाइज अब बात करते हैं होम में क्या परफॉर्मेंस दिखाती है यहाँ से गलातासराय। तो गलातासराय ने अपने होम में 10 मैच खेले हैं जिसमें से 6 मैच विन किए हैं, 3 मैच ड्रॉ खेले और एक ही मैच लॉस किया, 24 गोल स्कोर किए यानी 2.4 गोल पर मैच स्कोर करना अपने होम ग्राउंड में, और सिर्फ 6 ही गोल कंसीड किए यानी 2 मैच में 1 गोल स्कोर कंसीड करना है। तो देख सकते हो इसका अपने होम में कितना अच्छा परफॉर्मेंस है प्रेजेंट टाइम में। तो गाइज अब बात करते हैं यहाँ से जब ये दोनों टीमें आपस में खेलती है ना तो इन दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या रहता है। तो गाइज इन दोनों टीमों ने अभी तक 5 हेड टू हेड मैच खेले हैं जिसमें से 2 मैच यहाँ से गलातासराय विन किए, 2 मैच को ड्रॉ खेला, 1 मैच किया लॉस, 1.2 गोल पर मैच स्कोर किया लेकिन 0.8 गोल पर मैच कंसीड किया। अटैक यहाँ से आप मान सकते हो गोल स्कोर करती है लेकिन गोल कंसीड बहुत कम कंसीड करने देती है। तो गाइज अब बात करते हैं जो पिछला मैच इस्तांबुल से ये 2-1 से विन की थी और उससे पिछले मुकाबले यहाँ से 1-1 से ड्रॉ खेला था इसने, फिर यहाँ से 1-0 से लॉस किया था, फिर यहाँ से 2-1 से विन, फिर यहाँ से 1-1 से ड्रॉ। तो गाइज 2 मैच में इसने विन किया है और 2 मैच में इसने ड्रॉ खेला है और सिर्फ एक ही मैच को लॉस किया है, तो हेड टू हेड रिकॉर्ड भी इसके ही फेवर में गलातासराय फेवर में। तो गाइज अब बात करते हैं जो गलातासराय है उसका जो रिसेंट फॉर्म है उसके बारे में। तो गाइज यहाँ से गलातासराय इस मैच अभी तक इसने पिछले 6 मैच में जो रिसेंट फॉर्म है 6 मैच में इसने 5 मैच विन किए हैं और 1 मैच किया लॉस, 2.7 गोल पर मैच स्कोर किया और इसका जो पॉइंट टेबल पर दिखा रहा था 2 गोल पर मैच स्कोर कर मतलब एवरेज, लेकिन यहाँ से जो इसका अटैक है ना काफ़ी इंप्रूव हुआ है। वहीं पर बात करते हैं जो इसका डिफेंस है, इसने 0.8 गोल पर मैच कंसीड किया तो पॉइंट टेबल पर भी इतना ही, तो डिफेंस तो इसी तरह चल रहा है इसका, लेकिन पिछला मैच अपना ये 2-1 से विन कर रही है, उससे पिछले मुकाबले 1-0 से विन, फिर यहाँ 6-1 से विन, फिर यहाँ से 2-0 से लॉस जरूर के बेसिकटास काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट की टीम है, मतलब काफ़ी अच्छी टीम है एज कम्पेयर टू यहाँ से गलातासराय। वहीं पर बात करते हैं यहाँ से जो 1-1 से फिर ड्रॉ खेला था लेकिन फिर पेनल्टी में यहाँ से गलातासराय विन कर गई, फिर यहाँ से 6-0 से विन किया, तो इसका रिसेंट फॉर्म काफ़ी बेहतरीन है, एक ही मैच इसने लॉस किया है, बाकी सभी में इसने वन साइडेड वन किया है। एक चीज़ और गई यहाँ से इसने 1, 2, 3 मैच इसने क्लीन चिट रखा है, मतलब क्लीन स्वीप किया है, किसी टीम को गोल कंसीड नहीं करने दिया, लेकिन फिर इसने 2 मैच यहाँ से मतलब 2-3 मैच ऐसे जिसने यहाँ से स्कोर कंसीड किया, लेकिन एक चीज़ और जो इसने इस मैच में गोल कंसीड किया ना वो किया था पेनल्टी, तो आप देख सकते हो डिफेंस से तो नहीं हुआ ना, फिर यहाँ से पेनल्टी मतलब एक ही गोल यहाँ से ओपन प्लेयर्स किया वो किया था 1-1 से जब इन दोनों टीमों के बीच में ड्रॉ हुआ था, तो डिफेंसिव काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है मुझे पता। तो गाइज अब बात करते हैं यहाँ से जो इस्तांबुल है उसका जो रिसेंट फॉर्म उसके बारे में। इस्तांबुल ने पिछले 6 मैच में से 1 मैच ही विन किया है, 2 मैच को ड्रॉ खेला, 3 मैच को लॉस किया
1.5 गोल पर मैच स्कोर किया है लेकिन 2 गोल पर मैच कंसीड किया। तो पॉइंट्स टेबल पर इसका जो स्कोरिंग कंसीड करने का एवरेज था ना 1.7 था, लेकिन यहाँ पर रिसेंट फॉर्म में 2 गोल। तो दिखता है जो इसका डिफेंस है अब कुछ डगमगा रहा फिलहाल भी, और अटैक एवरेज ही आप मान सकते हो इतना ही पॉइंट्स टेबल पर दिखा रहा था और इतना ही यहाँ पर। तो पिछला मैच अपना ये यहाँ से हटाई स्पर्स से खेल कर आई जिसमें 5-1 से लॉस कर गई, फिर उससे पिछले मुकाबले यहाँ से 2-1 से लॉस, फिर यहाँ से 1-1 से ड्रॉ, फिर यहाँ से 2-0 से लॉस, फिर यहाँ से 1-1 से ड्रॉ, फिर यहाँ से 5-1 से विन। बेसिक्टास मतलब जो इस्तांबुल टीम थी पिछली बार जब खेला करती थी इस तरह परफॉर्मेंस करती थी यहाँ से जिस तरह ये है, क्योंकि इसके पास अब कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जो वो अलग अलग क्लब में चले गए हैं, तो ये थोड़ी सी टीम आजकल डगमगाई हुई है तो इसका प्रेजेंट टाइम भी कुछ कह नहीं सकता। तो गाइस अब बात करते हैं इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर ने कितने गोल किए हैं और कितने असिस्ट किए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ से गलातासराय प्लेयर्स के बारे में, और फिर गाइस बात करेंगे यहाँ से इस्तांबुल के प्लेयर्स के बारे में। और इस मैच में जो मेरी प्रेडिक्शन है यहाँ से 2 गोल, मतलब मेरी यहाँ से 2-4 यहाँ से गलातासराय, 0-4 यहाँ से इस्तांबुल। अगर पेनल्टी मिलती है तो यहाँ से इस्तांबुल 1-2-1 भी बैक कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए बैक कर रहा हूँ क्योंकि गलातासराय को होम ग्राउंड है, प्लस में हेड टू हेड रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा, प्लस में इन दोनों मतलब जो इसका रिसेंट फॉर्म है ना वो भी काफ़ी अच्छा। अब भाई क्यों मैं सोचूं कि यहाँ से मतलब इस टीम को बैक कर लूँ, बाकी अगर अकॉर्डिंग टू मैच गए तो पक्का वन साइड ही विन करेंगे। तो गाइस अब बात करते हैं यहाँ से गलातासराय प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर ने कितने गोल किए कितने असिस्ट किए, तो देख लेते हैं सबसे पहले गलातासराय प्लेयर्स के बारे में, फिर बात करेंगे यहाँ से इस्तांबुल के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस गलातासराय टीम तरफ से हाईएस्ट गोल यहाँ से एम्बाई डिएग ने, जिसने 9 गोल करे हैं और 4 गोल इसने किए पेनल्टी में। तो यहाँ से दिखता है जो इसकी टीम है पेनल्टी बहुत अर्न करती है। वहीं पर बात करते हैं बेलहांडे जिसने 6 गोल किए हैं, तो इसने ओपन प्लेयर्स किए तो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। और यहाँ से फाल्कोनी जिसने 5 गोल किए हैं लेकिन 3 गोल इसने पेनल्टी में किए, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। वहीं पर बात करते हैं क्लिन यहाँ से 3 गोल कर चुका, और यहाँ से रियान बबेल ने 3 गोल किए, बाकी यहाँ से अर्डर टोरन ने 3 गोल किए, बाकी सभी ने 1-2 गोल किए। लेकिन एक चीज़ तो होगा कि यहाँ से एक इंपॉर्टेंट ने यहाँ से एक ही प्लेयर जो कंसिस्टेंट गोल करता है, मतलब लेकिन वो भी पेनल्टी में करता है, लेकिन ओपन प्लेयर से यहाँ से बलहंडा ही गोल करता है। तो गाइस अब बात करते हैं काफ़ी मतलब लंबी लिस्ट है, वैसे आप स्क्रीन शॉट ले लेना, खुद की टीम बनाने में आसानी रहेगी। तो इस टीम तरफ से जो सबसे ज़्यादा असिस्ट कौन से प्लेयर के उसके बारे में देख लेते हैं। तो इस टीम तरफ से हाइस्ट असिस्ट यहाँ से रियान बबेल ने 4 असिस्ट किए, और यहाँ से फागोली ने 3 असिस्ट किए, और यहाँ से बलहंडा ने 2 असिस्ट किए। बलहंडा इंपॉर्टेंट रहेगा, और यहाँ से फाल्को ने 2 असिस्ट किए, और यहाँ से टोरन ने 2 असिस्ट किए, बाकी सभी ने 1-2 असिस्ट किए। आप स्क्रीनशॉट ले लें, खुद की टीम बनाने में आसानी रहेगी। तो गाइस अब बात करते हैं जो सेकंड टीम है जो इस्तांबुल है, उसके जो प्लेयर्स हैं उनके कौन से प्लेयर कितने गोल कितने असिस्ट हैं, तो देख लेते हैं उनके प्लेयर्स के बारे में भी। तो इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना, आने वाले फुटबॉल के मैच की वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहेंगी, तो उसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो। तो गाइज इन इस्तांबुल टीम तरफ से सबसे ज़्यादा गोल यहाँ से फ्रेडरिक जिसने 6 गोल किए हैं, और यहाँ से ईडन विश्का ये ना वन मुझे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता दिखता है, और जब भी लेता हूँ मैं इसे कुछ ना कुछ जरूर करता है, इंटरसेप्शन टैकल का भी, और मतलब बिना गोल असिस्ट किए भी आपके लिए अच्छा खासा पॉइंट दे सकता है ये। इसका मैं दीवान मतलब वो कहते हैं दीवाना हो गया हूँ यार, इसको जब भी अपनी फैंटेसी में खेलता हूँ तो पक्का पिक करता हूँ। और यहाँ से एंजो है जिसने 2 गोल किए हैं, और यहाँ से एलेसिक वहीं पर बात करते हैं डेम्बाबा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रखता है यार, ऐसा नहीं काफ़ी मतलब इसके बारे में पिछले सीजन में ये मेरे हिसाब से हाईएस्ट गोल टेकर था शायद, हाईएस्ट या सेकंड इस टीम तरफ से। वहीं पर बात करते हैं जो और बाकी सभी ने 2-2, 1-1 असिस्ट किया ना, स्क्रीन शॉट ले लें, खुद की टीम बनाने में काफ़ी आसान रहेगी। तो इस टीम तरफ से जो हाईएस्ट असिस्ट टेकर है उस प्लेयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस टीम तरफ से हाईएस्ट असिस्ट ईडन विश्का है जिसने 5 असिस्ट किए, और यहाँ से चार्डिल ने 3 असिस्ट किए, और यहाँ से टुरुक ने 2 असिस्ट किए, और यहाँ से डेम्बाबा और बाकी सभी ने 1-1 असिस्ट किया। आप स्क्रीन शॉट ले लें, इंपॉर्टेंट प्लेयर बताऊँ यहाँ से डेम्बाबा काफ़ी पसंद है, अटैकिंग प्लस आप अटैकिंग माइंडेड प्लेयर है। वहीं से बात विश्का अटैकिंग प्लस डिफेंसिव काफ़ी अच्छा, और यहाँ से टुरुक ये भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ये ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं आप इनको, ये ऐसे प्लेयर है जो खुद के दम पर अपनी टीम को वन साइड विन करा सकते हैं, जो भी चले गए इन दोनों में से ना वो अकेला 2-3 गोल कर देगी, इतने मतलब काबिलियत थी इनके अंदर। लेकिन गाइज अब बात करते हैं इस मैच में जो हमारी ड्रीम इलेवन टीम क्या रहेगी उसके बारे में, देख लेते हैं यहाँ से क्या रहेगी हमारी इस मैच में ड्रीम इलेवन टीम अकॉर्डिंग टू इन दोनों टीम पॉइंट टेबल, अकॉर्डिंग टू रिसेंट फॉर्म, अकॉर्डिंग टू इन दोनों टीमों का हेड टू रिकॉर्ड, और अकॉर्डिंग टू इन दोनों टीमों प्लेयर का रिकॉर्ड। तो देखते हैं इस मैच में क्या रहेगी हमारी ड्रीम इलेवन की टीम।
तो गाइस फिलहाल के लिए ये मेरी टीम होने वाली है। अगर इस टीम में कुछ चेंजिंग होगी तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप हम टेलीग्राम चैनल सर्च कर लेना क्रिकेट पोर्ट। जैसे आप क्रिकेट पोर्ट सर्च करोगे इस तरह लोगों दिखाई देगी जिस तरह हमारे यूट्यूब चैनल का। कैप्टन फिलहाल के लिए यहाँ से बलहेंडा को बनाया है और वाइस कैप्टन यहाँ से डियागनो को बनाया है। और विस्का इंपॉर्टेंट प्लेयर, टूरुक इंपॉर्टेंट है और इसमें क्रेडिट का इशू काफ़ी है, तो प्लेयर टीम बनाने में काफ़ी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कठिन सवाल है वैसे भी। अब गाइस बात करें यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर के बारे में, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से सबसे पहले यहाँ से है सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर यहाँ डम्बम्बा, ये मतलब बा है ना जो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता है और टूरन भी काफ़ी अच्छा है। और फाल को मतलब आपको पता ही इसके सेकंड या थर्ड हाईएस्ट गोल टेकर इस टीम तरफ से। और यहाँ से बबेल, ये आपके लिए इंटरसेप्शन टेकल का पॉइंट काफ़ी अच्छे दे सकता है, आप इसे सीख सकते हो। और यहाँ से हम आई कैन भी अच्छा इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन जो मैं डिफरेंशियल हो सकते हैं आपके लिए उनके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलिस के बाद मैक्स डेमिर, ये स्टार्ट करता है लेकिन ये जल्दी सब्सिट्यूट होने का चांस रखता है। एक बाबा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी को मतलब स्टार्ट करता है कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करके देता है अपनी टीम के लिए। वहीं पर बात करते हैं यहाँ से चैडल, काफ़ी इंपॉर्टेंट सिलेक्शन 3% और ही ना आपको ऐसा सिलेक्शन इसका मतलब ऐसा प्लेयर है ना आपको सच में बताऊँ स्टार बना देगा, मतलब आपकी टीम को ऊंचाई तक चढ़ा देगा मुझे पता। और वहीं पर बात करते हैं जो और इम्पोर्टेंट यहाँ से बायराम, पिछले सीजन का ना हाईएस्ट असिस्ट टेकर था इस टीम की तरफ से, लेकिन मैंने एक बार पिक किया था इसने ही हराया था मेरे को वास्तव में, लेकिन अच्छा प्लेयर है, इसका क्वालिटी में काफ़ी मतलब दम है मैं मान सकता हूँ। और यहाँ से बाकी अपने हिसाब से बनाना, लेकिन मैंने यहाँ से गलातसराय को प्लेयर को रिफ्रेस किया क्योंकि इसका होम ग्राउंड है तो हाई चांस रहेंगे कि गोली असिस्ट इन दोनों टीमों की तरफ से मिलेंगे, मतलब इसकी तरफ से मिलेंगे। बलहंडा को कैप्टन है, वाइस कैप्टन डियागने को। अगर इस टीम में चेंजिंग होगी टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दी जाएगा। फाइनल टीम और इस टीम से कोई चेंजिंग होगी 110% कुछ, क्योंकि चेंजिंग करूँगा मैं क्योंकि प्लेयर का रिकॉर्ड आता है ना और उसका नहीं प्लेयर की पोजीशन होती है उसका अकॉर्डिंग चेंज होना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, इतने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बाकी आपकी चॉइस रहेगी। और मिलते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर।